सुप्रभात बच्चों, अगली क्लास की बातें इस क्लास में भी हम पहले अपना अटेंडेंस बना लें। अब आपकी परीक्षा तो हो गई, प्रथम आवधिक परीक्षा आप लोग दे चुके हैं। अब पुनः जो अवधि की पढ़ाई होगी इसमें पुनः 6 चैप्टर 5 चैप्टर इसमें पुनः पढ़ाई होगी। इसमें पाठ 6 से लेकर के 10 तक चैप्टर की पढ़ाई होगी। तो आ जाइए पाठ 5 में पढ़ा दो। ये 5 तो हो गया था ब्रह्म मुहूर्त पर। अब पाठ 6, पाठ 6 जो है उसका शीर्षक है मनुष्य ही महान। एक तरह से एकांकी है, नाटक के रूप में है। इसमें पात्र के रूप में बादशाह अकबर है, वजीर बीरबल हैं, सभासद सभा में बैठने वाले कुछ बच्चे हैं, बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ है। इसी बात को लेकर के पूरा एकदम सभा गंभीर है, चिंतामग्न है। अकबर तनावग्रस्त हैं, लेकिन आगे कुछ करने की जिज्ञासा भी है। अब अकबर बीरबल से कहता है, अकबर बीरबल से कहते हैं कि मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। बीरबल कहते हैं हाँ जहां अपना अवश्य, क्यों नहीं पूछिए। तो अकबर का प्रश्न है बीरबल से कि तुम इस धरती पर के लोगों को महान क्यों मानते हो। तो बीरबल मुस्कुराते हुए कहते हैं महाराज आपका प्रश्न बड़ा ही सुंदर और गहरा है, सुंदर और गहरा है। मैं मनुष्य को सुंदर ही नहीं, सुंदरतम मैंने सुपरलेटिव डिग्री सुंदरतम मानता हूं। अब तो सुंदर की बात करते हैं ना, उससे भी हम एक सीढ़ी ऊपर मानता हूं सुंदरतम। मैं यदि सभासदों से पूछूं तो क्या आप मुझे इस बात के लिए इजाजत देंगे। अकबर प्रसन्नता से प्रश्नोत्तरी के रूप में हाँ बीरबल बहुत खूब पूछ सकते हो, आम के आम और गुठली के दाम। मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा और सभासदों का मनोरंजन भी हो जाएगा।
बीरबल सर को झुकाते हुए धन्यवाद झापना आप प्रश्न का उत्तर भी दे सकते हैं और प्रश्न से दूसरा प्रश्न भी कर सकते हैं। सभासद चित्त भी मेरी पट्ट भी मेरी, जब देखो बीरबल बीरबल करते रहते हैं। जैसे हम लोग कुछ है ये नहीं अकबर के नजर में, जब देखो बीरबल बीरबल, हम लोग के प्रति थोड़ी भी श्रद्धा नहीं है उनको। सभासद कहता है बीरबल इस बार प्रश्न हम तुमसे पूछेंगे। बीरबल कहता है ये भी ठीक है पूछना। तो पहला सभासद पूछता है बीरबल से, अगर न होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन? बीरबल जो है सो उत्तर देने के लिए चूंकि वो तो हाजिर जवाबी है तुरंत में प्रश्न का उत्तर देता है, उत्तर देने के लिए तैयार हुआ, लेकिन दूसरी ओर से आवाज आती है। दूसरा कहता है ठहरिए बीरबल, पहले सुन तो लीजिए। बीरबल मुस्कुराते हुए कहिए कहिए कहिए। तो दूसरा फिर प्रश्न करता है, अगर न होता सूरज दिन में प्रकाश फैलाता कौन? तीसरा कहता है अगर न होते बादल नभ में इतना जल बरसाता कौन? चौथा कहता है अगर न होती नदियां निर्मल नदियां हमारी प्यास बुझाता कौन? बीरबल कहते हैं मुस्कुराते हुए, अगर न होते हम इस धरती पर, अगर न होते हम धरती पर इनकी महिमा गाता कौन? उत्तर मिल गया। पहला कहता अगर न होते पेड़ भला फिर हरियाली फैलाता कौन? अगर न होते कृषक धरती पर हरियाली लाता कौन? अब प्रश्न उत्तर चालू है। अब एक प्रश्न करता है अगर न होते पेड़ भला फिर हरियाली फैलाता कौन? तो बीरबल कहता है अगर न होते कृषक धरती पर हरियाली लाता कौन? दूसरा कहता है अगर न होते फूल बताओ खिल खिल कर मुस्काता कौन? बीरबल कहता है अगर न होते हम धरती पर इनकी मुस्कान समझता कौन? तीसरा कहता है अगर न होते पर्वत मीठे झरने भला बहाता कौन? बीरबल कहता है अगर न होते हम धरती पर झरनों से मन बहलाता कौन? सब तो है, सबका इम्पोर्टेंस है जब इस पृथ्वी पर मनुष्य है तभी है। मनुष्य अगर इस पृथ्वी पर नहीं हो तो सब चीज का इम्पोर्टेंस समाप्त हो जाएगा, वही बीरबल कहना चाहता। अगर न होते बादल हमें इंद्रधनुष लाता कौन? अगर न होते हम धरती पर इंद्रधनुष उसे कहता कौन? वो तो मनुष्य का ही ना नाम दिया हुआ है इंद्रधनुष, मनुष्य ने ही नाम दिया है ना। जब हम होते ही नहीं तो उसको तो कोई समझता भी नहीं कि वह क्या चीज है। बीरबल के समस्त उत्तर सुनकर अकबर प्रसन्न होते हैं। पहला अभी प्रश्नोत्तर समाप्त नहीं हुई, आगे सुनिए। अगर न होती हवा धरती पर जीवन लाता कौन?
बीरबल कहता है अगर न होते हम धरती पर, बोलो हवा का क्या होता काम। हम अगर पृथ्वी पर नहीं होते, हवा चलती चलती नहीं चलती, क्या जरूरत था हमको हवा की। मनुष्य है, जीव जंतु है, तब तो हवा की आवश्यकता है ना। अगर मनुष्य ही नहीं रहे पृथ्वी पर तो हवा चलेगी, और चलेगी तो चलेगी, रुक जाएगी रुक जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर न होते हम धरती पर, बोलो हवा का क्या होता काम। अब तुम सब मुझे बताओ, सब तैयार हो जाते, अगर न होते हम धरती पर, चांद की चांदनी का क्या कार्य, क्या था काम। अगर न हो हम धरती पर, बोलो सूरज की किरणों का क्या काम। निर्मल नदियों की जलधार व्यर्थ बहेगी सुबह शाम, अगर न होते हम धरती पर, ऊंचे पर्वतों की है क्या पहचान। अब सभासद सब एकदम चुप हो गए। अगर न होते हम धरती पर, ऊर्जा का क्या है अर्थ। अगर न हो हम धरती पर, खुशहाली लाता कौन। ये मंदिर मस्जिद में कारीगरी दिखलाता कौन। ये कपड़े, ये भोजन स्वादिष्ट, ये पेय पदार्थ बनाता कौन। अगर न होते हम सृष्टि को, चलाता कौन। अगर न होते हम तुम, जीवन का सौंदर्य बताता कौन। अगर न होते हम तुम, इस भूमि का बंधन गाता कौन। अब जो है सो बीरबल सबको प्रश्न का उत्तर देते देते बहुत आगे बढ़ गया। शाबाश बीरबल, शाबाश, तुमने मेरी जिज्ञासा को शांत कर दिया। सचमुच मनुष्य ही महान है, मनुष्य न हो तो इस सृष्टि का कोई अर्थ नहीं है, पर्दा गिर जाता है। तो बीरबल के कहने का तात्पर्य है कि इतने बड़े जगत में, संसार में सब चीज है, आदमी नहीं हो तो ये संसार उस पिंजरे की भांति हो जाएगी कि जिस पिंजरे से पक्षी उड़ गई। पक्षी जिस पिंजरे में रहता रहती है तो पिंजरे को रंगो भाई, पिंजरे की गंदगी को दूर करो भाई, पिंजरे को खोलो भाई, क्योंकि उसको खोलोगे तभी उसमें पक्षियों को आहार दिया जाएगा। पिंजरे को बंद करो भाई, पिंजरे को लटकाओ भाई, पिंजरे को उतारो भाई, सब है केवल एक पक्षी उसके अंदर में जो है उसके कारण। अगर उस पिंजरे में वह पक्षी ना हो तो पिंजरा का कोई महत्व नहीं रह पाएगा। उसी तरह ये जगत है, ये संसार है, ये नदियां हैं, ये पर्वत है, ये झील हैं, ये जंगल हैं, वन संपदा हैं, खेत खलिहान हैं, चारों ओर के प्राकृतिक वातावरण है, हवा है, सूर्य हैं, चंद्रमा है, तारे हैं, सारे चीज। लेकिन इन सारे चीज का महत्व है केवल सजीव के लिए, और उस सजीव में सबसे पहला है मानव, जिसने हवा का हवा नाम दिया, पानी का पानी नाम दिया,
चांद और सूरज नाम दिया, पृथ्वी नाम दिया, अग्नि नाम दिया। इस सब की आवश्यकता है मनुष्य को इस पृथ्वी पर जीवित रखने के लिए। अगर मनुष्य ही नहीं होंगे तो इस पृथ्वी पर इन लोगों के सौंदर्य का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। तो यही आज की पढ़ाई है, आज की पढ़ाई यही पूरा होती है। कल पुनः इससे संबंधित जो प्रश्न उत्तर वगैरह हैं उनके विषय में मैं बता दूंगा। और तत्काल आज की पढ़ाई को मैं यही विराम दे रहा हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। पुनः कल आपसे इसी वक्त मुलाकात होगी।